सो हे गाइज एंड यू आर वॉचिंग अमन स्टोरीज एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। एंड गाइज आज की इस वीडियो में हम टेकन गेम में अपियर हुए टॉप 9 बॉसेस के बारे में बात करेंगे। एंड जैसा कि मैंने कहा हम, सो इसका मतलब ये एक कोलैब वीडियो होने वाली है। एंड जो मेरी हेल्प करेंगे इस वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली आप सब उन्हें जानते ही होंगे। हेलो गाइस, मैं हूँ शौर्य सत्याल। एंड अगर आप सब मुझे किसी केस की वजह से नहीं जानते तो मेरा यूट्यूब एक चैनल है जहाँ पे मैं GTA, माइनक्राफ्ट, रेसिडेंट इविल एंड कभी कभी टेकन के बारे में भी बात करता हूँ। और यार आज इस वीडियो में हम टेकन के कुछ अमेजिंग एंड मोस्ट पावरफुल बॉसेस की बात कर रहे हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इन सभी बॉसेस को उनकी स्टोरी लाइन से लिंक करके रैंक किया है। एंड यहाँ पर हम गेस्ट कैरेक्टर को काउंट नहीं करेंगे। So yeah, without wasting any more time, let's begin. Number 9, Kazumi Hachijo. अब Tekken 7 में अगर आप आर्केड मोड प्ले करते हैं तो फाइनल स्टेज में आपको कजुमी या अकुमा में से कोई एक मिलेगा। एंड जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि इस वीडियो में हम गेस्ट कैरेक्टर को काउंट नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम डबल कजुमी के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग बात करें कि कजुमी कितनी डेंजरस है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कजुमी टेकन के हर स्टेज फाइटर से ज्यादा डेंजरस एंड डेडली है। लेकिन हेहाची से नहीं, टेकन 7 के स्टोरी मोड में हमने ये देख लिया है कि हेहाची ने सिर्फ अपने ह्यूमन फॉर्म में ही कजुमी के गर्दन को अपने हाथ से तोड़ दिया था। इससे आप दोनों के पावर लेवल का अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं। एंड एक डेविल होने के बाद भी कजुमी सिर्फ एक ह्यूमन से डिफीट हो जाती है, इसलिए कजुमी को हमने रैंक किया है नंबर 9 पर। नंबर 8, डेविल कजुया। टेकन 2 में पहली और आखिरी बार डेविल कजुया टेकन सीरीज में बॉस का रोल प्ले करता है। टेकन 2 में जब हम फाइनल स्टेज में विजिट करते हैं उस वक्त हम कजुया से एनकाउंटर करते हैं एंड उसको डिफीट करने के बाद हम फाइनली डेविल कजुया से बैटल करते हैं। लेकिन डेविल फॉर्म में होने के बाद भी कजुया बहुत ज्यादा वीक होता है। एंड स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग हेहाची ने सिर्फ अपने डेडली मिशिमा स्टाइल कराटे के दम पर कजुया की बोथ फॉर्म्स को हरा कर वॉल्केनो में फेंक दिया था, इसीलिए डेविल कजुया इस लिस्ट के टॉप 8 पर है। सो इस लिस्ट में जो बॉस नंबर 7 पर है उसका नाम है मॉडिफाइड गंजा। यस, मैं बात कर रहा हूँ टेकन 5 के डेविल विदिन वाले पार्ट के फर्स्ट बॉस फाइट की। अगर आपने टेकन 5 के इस वाले पार्ट को खेला होगा तो आप जानते होंगे कि ये मॉडिफाइड गंजा कितना ज्यादा डेंजरस है, और फर्स्ट टाइम इनकाउंटर करने के बाद कोई इसे कभी पहली बार में डिफीट कर दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इन सिंपल वर्ड, इसे डिफीट करने के लिए आपको कई बार मरना पड़ेगा और एक पैटर्न याद करना पड़ेगा उसके मूव सेट का। और हाँ, क्योंकि ये रोबोट है तो ये आपको दूर से भी अटैक कर सकता है, जो डेफिनेटली आप नहीं कर सकते, इसलिए ये बॉस फाइट एक हद तक हार्ड है। नंबर 6, हेहाची मिशिमा। भाई इस बंदे को मैं पर्सनली टॉप 1 पर रखना चाहता था, लेकिन सिर्फ स्टोरी लाइन की वजह से हेहाची इस लिस्ट में टॉप 8 पर आ पाया है। हेहाची टेकन 1, टेकन 4 एंड टेकन 7 के स्टोरी मोड में बॉस था, एंड यहाँ तक कि वो टेकन 3 में भी स्टेज बॉस था, और वो ऐसा होना डिजर्व भी करता है। हेहाची का मिशिमा स्टाइल कराटे बहुत ही ज्यादा डेडली है। टेकन 1 से पहले हेहाची ने अपने ह्यूमन फॉर्म में डेविल कजुमी को डिफीट किया था, एंड उसने जिनपाची मिशिमा को भी उनके ह्यूमन फॉर्म में डिफीट किया हुआ है। और टेकन 1 में हेहाची मिशिमा पहली बार खुद अपने बेटे कजुया से डिफीट होता है, लेकिन इसके बाद हेहाची रिटर्न करता है और कजुया को वॉल्केनो में गिराकर अपना रिवेंज ले लेता है। लेकिन हम सब ये बात जानते हैं कि कजुया ने टेकन 7 में हेहाची को डिफीट कर दिया है, इसीलिए हेहाची इस लिस्ट के टॉप 6 पर है। नंबर 5, ओगर। अब ओगर को टेकन 3 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया गया था, एंड अगर आप टेकन सीरीज के फैन हैं सो मोस्ट प्रोबेबली आपने टेकन 3 गेम तो खेला ही होगा। ओगर तक पहुंचने के लिए पहले आपको 9 स्टेज कंप्लीट करने पड़ेंगे, और 10th यानी कि फाइनल स्टेज पर आपका सामना होगा ओगर से। एंड गाइस, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, ओगर कितना ज्यादा पावरफुल है। आई मीन लोअर वाइज भी एंड गेम प्ले वाइज भी, ओगर एक ऐसा बॉस था जिसको डिफीट करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और अगर आप हार गए तो आपका स्टेज वापस शुरू से स्टार्ट होगा। एंड इस बात का प्रूफ खुद उसके मूव्स हैं। फिर चाहे बात करें उसकी पावरफुल पंचेस की या इनक्रेडिबल किक्स की, उसके एक्शन इतने फास्ट होते थे कि फर्स्ट टाइम उसे इनकाउंटर करने पर हम समझ ही नहीं पाते थे कि वो कब क्या करने वाला है। एंड जैसे तैसे 3-4 ट्राई में मैं जब ओगर को फाइनली डिफीट किया, और जब मैं कैरेक्टर के एंडिंग का वेट कर रहा था, तब उसी वक्त हमारे सामने एक कट सीन आता है जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि ओगर अब ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और मर्ज होने के बाद ओगर हम पे अपना आग बरसाता है। एंड रियली गाइस, जब मेरे साथ फर्स्ट टाइम ये हुआ था, जब मैंने ओगर का फर्स्ट फॉर्म को डिफीट किया था, उसके बाद मुझे लगा था अब फाइनली हमें कैरेक्टर एंडिंग देखने को मिलेगी, लेकिन उस वक्त ये कटसीन सामने आया, एंड ये देखने के बाद लिटरली मेरा ईगो हर्ट हो गया।
खैर छोड़ो। नंबर 4 डेविल जिन। अब यहाँ पर कई लोग मोस्ट प्रोबेबली कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि डेविल जिन कभी भी किसी टेकन गेम में फाइनल बॉस नहीं था। एंड यस, ये बात बिल्कुल राइट है, लेकिन अगर आपने टेकन 5 गेम खेला हुआ है तो आप ये जानते होंगे कि जिन पाची मिशिमा तक पहुँचने के लिए आपको डेविल जिन के साथ एनकाउंटर करना पड़ता था, क्योंकि डेविल जिन टेकन 5 में स्टेज बॉस था, सेम एज जैसे टेकन 3 में हियाची स्टेज बॉस था। अगर आप टेकन 5 स्टोरी मोड को इजी लेवल पर प्ले कर रहे हैं फिर तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इस बैटल में, बट अगर आप स्टोरी मोड को मीडियम हार्ड या फिर अल्ट्रा हार्ड लेवल पर प्ले कर रहे हैं तब तो फिर आप मुझसे बेटर जानते होंगे कि डेविल जिन किस तरह के मूव्स को परफॉर्म करेगा। एंड यहाँ तक कि आपके पास सोचने तक का टाइम नहीं होगा, डेविल जिन आपको कंटिन्यू मारता रहेगा एंड आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आप किस तरह से डेविल जिन के साथ डील करें। एंड अगर डेविल जिन अपने फ्लाइंग मूव्स के साथ फाइट करेगा फिर तो आपको एक भी चांस नहीं मिलेगा सर्वाइव करने का। डेविल जिन के कॉम्बोज इतने ज्यादा डेडली हैं कि अगर आप एक बार इनमें फंस जाएं फिर तो आपके पास कोई भी चांस नहीं होगा बचने का। एंड टेकन फ्रेंचाइजी में डेविल जिन अब तक अनबीटेबल साबित हुआ है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बॉस एंड ही इज नो वेल एक्चुअली शी इज ऑफ कोर्स अननोन। अब अननोन के नाम की तरह ही इसकी हिस्ट्री भी काफी ज्यादा अननोन है एंड फाइटिंग स्टाइल तो है ही नहीं। अगर आपने टेकन टैग खेला है तो आप इस बारे में जानते होंगे कि अननोन टेकन टैग 1 एंड टेकन टैग 2 दोनों ही गेम में अपीयर हुई थी। जब हम फाइनल स्टेज में फर्स्ट टाइम प्रोसीड करते हैं तब हमारे लिए काफी शॉकिंग था क्योंकि उसके साथ फाइट करना जिसका नाम ही था अननोन एंड टेकन टैग 1 में ये हमारे लिए बिल्कुल ही न्यू कैरेक्टर थी एंड हमें कोई भी आइडिया नहीं था कि हम किसके साथ डील कर। और गाइस मोस्ट शॉकिंग बात तो तब थी जब ये फाइट स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि अननोन सभी फाइटर के मूव को कॉपी कर रही थी, इसलिए अननोन से जीतना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था क्योंकि आपने अब तक जितने भी कैरेक्टर्स के फाइटिंग मूव्स एंड स्टाइल को सीखा था उसको आपको काउंटर करना था। और गाइस यार अननोन इसीलिए वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट बॉस में से एक है इस पूरे फ्रेंचाइज की। वैसे अननोन है अच्छी। ऑल राइट गाइज, इस लिस्ट में जो बॉस नंबर 2 पर आप पाया है वो है फाउंडर ऑफ मिशिमा जाय बात्सो एंड हियाची मिशिमा का बाप, या सही समझे जिन पाची मिशिमा। जिन पाची उन्हीं बॉस के टॉप पर है जो कि हमें रेज करने पर मजबूर करते थे। एंड इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप ये बैटल इजी लेवल पर प्ले कर रहे हैं या फिर हार्ड लेवल पर। जिन पाची की मूव लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर आप आज बनाने बैठेंगे तो सुबह तक शायद कंप्लीट हो ही जाएगी। लॉल। जिन पाची एक जलते हुए अंगारे की तरह है जो कि हमको भी जला जला कर पीटता है। जिन पाची सिर्फ एक पावरफुल बॉस ही नहीं बल्कि वो एक बहुत स्कैरिंग बीइंग भी है। जिन पाची कब क्या करने वाला है इसका अंदाजा तो आप कभी लगा ही नहीं सकते। जिन पाची के एक्शन डेविल जिन से भी ज्यादा फास्ट होते थे, लेकिन यहाँ आप कई लोग कहेंगे कि भाई जिन पाची तो हियाची से डिफीट हो चुका है तो फिर वो सेकंड पोजीशन पर कैसे आ सकता है। यस गाइस, ये बात बिल्कुल सच है कि जिन पाची हियाची से डिफीट हो चुका है, लेकिन तब जब वो ह्यूमन फॉर्म में था एंड जब जिन पाची ने बॉस का रोल प्ले करा था तब वो अपनी डेविल फॉर्म में था। इसी रीजन से जिन पाची इस लिस्ट के टॉप 2 पर है। ऑलराइट, सो अब हम फाइनली उस दरिंदे बॉस के पास पहुंच गए हैं जो इस लिस्ट के टॉप पर आ गया एंड वो है विदाउट एनी डाउट अजाज़ेल। अब गाइस अजाज़ेल टेकन हिस्ट्री का एक अकेला ऐसा कैरेक्टर है जिससे हम टेकन फैन आज भी इतना ज्यादा हेट करते हैं कि हम टेकन 6 को आज भी खेलने में डिनाई करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके फाइनल बॉस अजाज़ेल है। एंड अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो आप खुद टेकन 6 खेलकर देख लीजिएगा, अजाज़ेल आपको बहुत पेलेगा क्योंकि यह अजाज़ेल टेकन सीरीज का मोस्ट अनोइंग बॉस है। वन ऑफ द मोस्ट अनोइंग बॉस नहीं, द मोस्ट अनोइंग बॉस। एंड स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग अजाज़ेल को सिर्फ वही डिफीट कर सकता है जो कि डेविल जीन को पोजेस करता हो। एंड अकॉर्डिंग टू स्टोरी जिन गजा में नहीं अजाज़ेल को लास्ट में डिफीट किया था, लेकिन आप किसी भी कैरेक्टर के साथ इसको डिफीट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अजाज़ेल के पास वो सारी पावर्स है, फिर चाहे बात करें पंचेस, किक्स, आई लेजर या फिर फ्लाइंग अटैक, अजाज़ेल के पास डिफरेंट वैरायटीज के पावर्स है। एंड आपने अजाज़ेल को डिफीट करने के लिए क्या किया था, आप अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करना एंड हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलना। तो या गाइस, हाँ फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।